saiyo. एक आदमी मिला है हमें, तबीयत खराब है उसकी, लगता है उसे कोई रोग है, इसलिए हम उसे यहाँ पर ले आए। भेजो उसको। यहाँ कैसे? पता नहीं, वो भी हम सबके बीच में। ये यहाँ क्यों आ गया? सब बिगाड़ देगा मेरे लिए। अंदर आ, अंदर आ। उतारो उसको, उतारो। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ रोग हुआ है मुझे। Leprosy? पट्टियां कब उतारेंगे आप? कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साईं, सुख दुख आने जाने हैं और साईं बाबराए मनवा तेरा जुन जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आए समझाए। ओ साईओ 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 साईओ। मैं क्या देख रहा हूँ? सुई चुभने का आभास हुआ रानू जी को, इस कारण
कहीं रानू जी? नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। You're absolutely fine. तुम बिल्कुल ठीक हो। It's a miracle. चमककार, चमककार। ये तो ठीक हो गया। ये तो चमत्कार ही है। चमत्कार हो गया। और नहीं तो क्या? तुम बिल्कुल ठीक हो गया। कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। श्रद्धा और सबरी, अब समझ में आ गया। Who is Sai? नहीं नहीं रानो जी बहुत प्रसन्न हो गया है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ठीक हो गया है। रानो जी तुम ठीक हो गए हो, तुम जाओ जाओ जाओ। रानो जी जाओ जाओ जाओ, अंता पंता से लेके जाओ। रोको, ये 200 सोने का सिक्का लो, तुम्हारा काम आएगा। ये अंग्रेज सरकार तो मेरे प्राण ले लेंगे कि मैंने इन्हें कुष्ठ रोग के बारे में सूचित क्यों नहीं किया। तुम्हारा गांव में किसी को कुष्ठ रोग हो गया और तुम अंग्रेज सरकार को बताया भी नहीं। लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि ये रोग गांव में ना फैले।
हम तो हैरान हो गया है। कुष्ठ रोग के इलाज तुमने कैसे किया है? और वो भी जड़ी बूटी से? You are lucky. ऐसा डॉक्टर जिंदगी में नहीं मिलेगा किसी को। आपको इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। आपको और गांव का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। जय कुलकर्णी सरकार की जय। ज्ञान अगर संसार से असमानता उजागर कर उसे खत्म करने का प्रयास ना करे तो वो कैसा ज्ञान? ज्ञान अगर सबका उद्धार बिना किसी पक्षपात के ना करे तो वो कहां का ज्ञान? सत्य को जानकर भी अगर उसे स्वीकार करने की विनम्रता ज्ञान ना दे तो ऐसे ज्ञान का क्या महत्व? असत्य के द्वारा लोगों को सत्य से दूर रखना ये समाज की सेवा नहीं, समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। अपने लाभ के लिए लोगों को स्वार्थी बना देना बहुत बड़ा पाप है। ये दूसरों को समझने से पहले अपने सत्य को जान लो, स्वीकार कर लो तो किसी से द्वेष नहीं होगा, सब बराबर नजर आएंगे और यही असली ज्ञान है। कुलकर्णी सरकार ने अच्छा नहीं किया, जहां साई को श्रेय देने की बारी आई तो खुद सारा श्रेय ले लिया। हाँ देखो कैसे पलटी खाई, इन्होंने कहा था कि कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं है और वो हम सबको भी हो जाएगा, पर देखो कहां किसी को कुछ हुआ है। कुछ भी तो नहीं। और रानू जी भी एकदम ठीक हो गए। हमने अच्छा नहीं किया रानू जी, साई और आपा पाटिल के परिवार के साथ। अपने इस मित्र को क्षमा नहीं करेंगे। हम पर लगाए गए प्रतिबंध अब तक हटाए नहीं गए। मुझे कोई डर नहीं अप्पा जी, प्रतिबंध हटाने से पहले यह साबित हो चुका है कि आप सही थे। और आप देखना अप्पा जी, बहुत ही जल्द प्रतिबंध भी हटाना पड़ेगा इन लोगों को। होगा, समय आने पर सब होगा जैसे हमेशा होता आया है। साई जानते थे क्या होगा और साई जानते हैं कब होगा। जम्मू के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे। हम सागर तर दे साई हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दिनों के सहारे। अज्ञान तिमिर से गिरावन
आपने मुझे अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया साईं। ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? मुझे अपने हृदय में रख के, अपने विचारों में रख के साईं, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, मेरा ये जन्म आपको समर्पित। बाबराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओ साई ओम 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 साई के घर में मातम का माहौल क्यों है? आ गए आप? कहां निकल गए थे अकेले? दीजिए, आइए। लंडी भाग गए थे? क्या कर रहे हो राणू जी? सेवा करने से मत रोकिए साईं, आप ही से तो सीखा है कि सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ कावेरी। चलो ना। क्यों आई हो यहां? निकल जाओ यहां से।
मेरा हाथ। इतने महीनों जब इन हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत थी तब कहाँ थी तुम? लेकिन मैं आभारी हूं तुम्हारा, बहुत अकेला छोड़ा है तुमने मुझे कावेरी, पर इस अकेलेपन में मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पाया है, और वो उद्देश्य है साई की सेवा। रानो जी, अब तुम स्वस्थ हो गए, घर जा सकते हो। घर की परिभाषा क्या होती है साईं? मैं नहीं जानता, और जो परिभाषा जानता था वो गलत निकली। यहां ना तो स्वार्थ की कोई जगह है और ना स्वार्थियों की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.